हेलो। हाँ माँ। हाँ अच्छा, ना 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 ना, शॉपिंग नहीं, शॉपिंग नहीं, प्लीज प्लीज, अम्मी अभी दोस्त के घर आया हूँ। नहीं 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 नहीं, जस्ट अभी अंदर आया हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ सल्लू को ले जाएं आप, प्लीज प्लीज सल्लू को ले जाएं। नहीं मैं नहीं जा सकता, प्लीज। ओके ओके बाय। क्या हो गया भाई, क्या मसला है? मसला मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। 3, 2, 1 मसला ये है कि मैं ना कराची का सबसे बदनसीब लड़का हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम है, उसकी वजह ये है क्योंकि मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ। और ये मैं तेरी अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कराची के हर होनहार लड़के की बात कर रहा हूँ जो घर के काम करते हैं। मसला ये है कि हमारे घर वाले ना वैसे कोई काम सीक्वेंस से नहीं करेंगे, क्योंकि जो शॉपिंग की बात आती है ना तो बहुत सीक्वेंस आ जाती है, लेकिन ये सीक्वेंस भी ना सारी आउट होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, शॉपिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले आशियाना सेंटर चले जाएंगे चप्पल लेने के लिए। यार आशियाना सेंटर में चप्पल कहाँ मिलती है मेरे भाई? नहीं, वहां जाके पूरा घूमने के बाद देखेंगे यार चप्पल ही नहीं है। उसके बाद अगला नंबर होता है फोरम का। बहुत गर्मी हो रही है, फोरम चलते हैं। फोरम में जाएंगे डायरेक्ट नाइकी के शोरूम में, वहां 15-20 हजार के शूज निकालने के बाद एक सड़ी हुई सी 5 हजार की चप्पल लेंगे जो मैं बाथरूम में भी इस्तेमाल नहीं करूं यार। और उसको लेने के बाद निकलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि जो फोरम के बराबर में पार्क है ना, सबसे पहले इस जगह बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले निकले नहीं, लेफ्ट की तरफ चले, सामने ओशन टावर की बिल्डिंग नजर आ जाती है। ओशन टावर जाएंगे, इतना अच्छा टावर है यार, इतना जबरदस्त है, इतना अच्छे वहां पे आउटलेट्स हैं। लेकिन नहीं, वहां जाएंगे पूरे सारे आउटलेट सर्च करेंगे, और आउटलेट सर्च करने के बाद नहीं यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। बेचारे जब किसी आउटलेट में घुसते हैं तो वहां पे भी जो है शॉपकीपर्स खड़े हो जाते हैं, ओहो बड़ी फैमिली आ गई है, आज तो हमारी ज्यादा सेल होगी। लेकिन नहीं, वहां पे सारे शूज लगाने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक तो ये लॉन वालों ने बहुत मसला करा है यार। ये यूनिवर्सिटी में जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है ना, तो इसको खत्म करवा सबसे पहले। जिस लड़के को देखो, लड़का लड़की सबने जो है वो अपने लॉन निकाले थे। जो भी यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइन करके निकला नहीं, तो सबसे पहले अपनी निकाल देनी है लॉन, ये लॉन वो लॉन। उस हिसाब से बुटीक्स बढ़ जाते हैं, बुटीक्स के हिसाब से हमारी फैमिलियों के जो है ना वो घूमने का बहाना मिल जाता है उनको, तो हर एक से एक जाना है। और जब कुछ भी समझ नहीं आया, तो कुछ समझ ही नहीं आया, वहां से फ्री होकर निकले नहीं। हर मॉल में एक फूड कोर्ट होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, कुछ पीने को मिलता है। लड़का भूखा है, प्यासा है, उसकी शक्ल देख रहे हो मुंह लटक गया है, लेकिन नहीं यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आया, यहाँ से निकल गए। सामने निकलते ही वहां देखेंगे तो एमराल्ड टावर, इतना सा वो मॉल है यार, अंदर घुसते ही खत्म हो जाता है बंदा। मैं तो जाता हूँ और वापस बाहर आ जाता हूँ उसमें से, लेकिन नहीं, वहाँ पूरा मॉल विजिट करने के बाद 4th फ्लोर तक जाने के बाद वहां के फूड कोर्ट तक चले जाएंगे। लेकिन वहां का फूड कोर्ट ना किसी हॉन्टेड हॉल से कम नहीं है, हक्का मैदान, न बंदा न बंदे के साथ। वहां तक जाके देखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आए क्यों भाई? वहां से निकलते हमारे घर वाले बोलते हैं डॉल्मेन सिटी मॉल जाते हैं। डॉल्मेन सिटी मॉल सुन के बड़ी खुशी होती है, वहां पे इन मॉल से ज्यादा आउटलेट्स हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग होगी, घर आ जाएंगे सुकून से, मैं अपने दूसरे काम में डालूंगा यार। लेकिन नहीं, वहां जाते ही सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल में गर्दन घूमती है और सामने नजर आ जाता है हाइपर स्टार। पर किसने कहा था हाइपर स्टार वालों को इतनी सस्ती सस्ती डीलें निकालो, 100 रुपए में 3 साबुन। हमारे घर वाले डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं, और शॉपिंग वॉपिंग छोड़ के कपड़े लेने थे यार। नहीं, कपड़े छोड़ के डायरेक्ट वो चले जाते हैं ग्रोसरी इतनी खरीद लेंगे, इतने शॉपर्स, सारे शॉपर्स मेरे हाथ में पकड़ा देंगे। मैं बोलता हूँ मम्मी शॉपर्स, बाजी शॉपर्स, लेकिन नहीं, बोलते हैं तुम तो जिम जाते हो, तुम्हें तो उठाने चाहिए, तुम्हें तो शॉपर्स उठाने चाहिए। अरे मैं जिम अपना पेट कम करने के लिए जाता हूँ यार, मैं रणवीर सिंह थोड़ी हूँ, मैंने पैक्स को थोड़ी बनाने, तुझे पता है देसी वुमन डज नॉट लाइक एनी दिस इज दिस टुकड़ियां। हाँ लेकिन फिर भी इसी वजह से मैंने जिम जाना छोड़ दिया यार। जिम छोड़ा मेरा पेट वापस निकल आया, मेरा मुंह बड़ा हो गया, फ्रंट कैमरा की सेल्फी खोलता हूँ तो मुंह इतना बड़ा मेरा पिटबुल कुत्ते जैसा हो जाता है। और एक तो बोतल लेने के लिए भी जाते हैं ना, पानी की बोतल होती है, बोतल लेने के लिए भी जाते हैं ना, उसमें बोलते हैं यार इसमें डिजाइन नहीं है। अरे इसमें डिजाइन नहीं है क्या? कुल्फी जमानी है क्या? अरे भाई सीधी बोतल ले लो, इसमें भी पानी आ जाएगा। अब तू बता यार, कौन जाएगा ऐसे शॉपिंग करने के लिए? और एक चीज और, इसीलिए तूने देखा है कि मम्मी डैडी बच्चे कितने खुश होते हैं, इनको पता है इन्हें कोई काम ही नहीं करना जिंदगी में, इनके माँ बाप कोई काम ही नहीं देते, इनको पता होता है बच्चे को हमारे काम दिया नहीं तो बच्चे ने जो है बच्चे की कमर में लचक आ जाएगी। हम जैसा लड़का होता है ना, पहुंच जाने के लिए हमेशा रेडी होता है कि यार ये बियर्ड रखी है, ये पोनीटेल है, जाएंगे
लड़कियां इंप्रेस होंगी, लेकिन नहीं, हमारे घर वाले हमारे हाथ में शॉपर्स जो पकड़ा देते हैं, कोई लड़की देखती भी है ना तो खिसियानी हंसी हंसती भी निकल जाती है, कुली साला। तंग आ गया हूँ यार। यार लड़की ने तो मुझे बोला भी हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स में बताएं, लाइक करना शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को हमारी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। अपना सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।